బీజేపీ మోర్చా యువ కార్యకర్త ప్రియాంక శర్మ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. और ये वाला अभी जुलाई जुलाई नहीं अभी जुलाई तक ये मामला चलेगा, उसके बाद मुझे साइन करना था या जो भी करना था, लेकिन उसके पहले नहीं. लेकिन उन लोगों ने मुझे सामने बैठा के जबरदस्ती लिखवाया कि ऐसा ऐसा आप लिखो फोर्सफुली, तभी मैं आपको बेल दूंगी, अदरवाइज नहीं. अच्छा, आप कह रहे थे टॉर्चर हुआ है, किस तरह का टॉर्चर हुआ था? मुझे टॉर्चर इन द सेंस खाने से लेके पीने से लेके, मुझे कल जेलर ने धक्का भी मारा. मैंने उनको बोला मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं जो आप मुझे धक्का देके घर में घुसा रहे हो. तो बोले जाओ जाओ जाओ. एक तो उन लोग का बिहेव बहुत ज्यादा रूट है जेल के अंदर का स्टाफ लोग का, और क्या बोलूं, बहुत ज्यादा वहां का अंदर का परिस्थिति बहुत खराब है. आज सुबह कितनी बजे आपको छोड़ा गया? मुझे करीबन 9:30 तक. उस समय आपके साथ में परिवार के लोग? कोई नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करने दिया गया. मैंने कंटिन्यू बोला मेरे पास फोन नहीं है, कम से कम एक बात करने दो, अगर बेल दे रहे हो तो बात करने दो. उन लोगों ने बार बार बोला कि नहीं आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते. 5 दिन में एक बार भी नहीं. सैटरडे और आज मिल रही हूँ, अभी जस्ट अभी मिल रही हूँ. नहीं, मुझे किसी से कांटेक्ट नहीं करवाया गया. नहीं, मैं उस चीज के लिए कोई रिग्रेट्स नहीं हूँ. मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके वजह से मुझे माफी मांगना पड़े. मैं इस चीज के लिए लड़ूंगी. ये मेम तो पूरा नेशनल हर जगह पोस्टिंग हो रहा है. मैं मुझे इसलिए बताया गया क्योंकि मैं बीजेपी कर रही हूँ, अपोजिशन पार्टी की हूँ, इस वजह से मुझे उठाया गया. अदरवाइज इसको उठाने का कुछ नहीं. अगर उठाना है तो जितने लोगों ने इसको शेयर किया, जिस लोगों ने इसको पोस्टिंग किया, उन लोगों को पकड़ो फिर जाके. और जिसने कंप्लेन किया उनको आप जानते हो? हाँ, वो वहाँ के काउंसिलर है. लोगों को डराते धमकाते हैं कि बीजेपी मत करो, मत निकलो. विवास चंद्र हाजरा, 9 नंबर वार्ड, हावड़ा. तो उस दिन क्या हुआ जब कंप्लेन हुआ था, पुलिस आपके घर आई, तब पुलिस ने ये बोला कि आपने ऐसा पोस्टिंग किया है, इसके वजह से आपको हम लोग लेके जाएंगे. तो हमने बोला नहीं, मुझे मेरे पार्टी के लोगों से, मेरे लॉयर से बात करने दो, फिर ऐसे कैसे. तो नहीं, आप वहां जाके बात करोगे. बाकी मेरा फोन संग संग ले लिया गया, आज तक मेरे पास फोन नहीं है. कि मैं माफी मांगती हूँ कि आइंदा से मैं ऐसा कुछ शेयरिंग नहीं करूंगी, ऐसा पोस्टिंग नहीं करूंगी. मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा मतलब माफी मांग रही हूँ, बट मैं माफी नहीं मांगूंगी. बिकॉज मैं बीजेपी करती हूँ, क्योंकि 9 नंबर वार्ड में एक लड़की होकर बीजेपी कर रही हूँ, घर घर जाके बूथ स्लिप दे रही हूँ, जो कि वो नहीं चाहते. क्योंकि लड़के अगर निकल रहे थे तो लड़के को बोल रहे तुम मत जाओ, तुम मत निकलो. लड़के को डर था हाथ पैर तोड़ने का. अब एक लड़की जाके बूथ स्लिप दे रही है तो लड़की को क्या कर सकते, घर में घुस के तो पीटेंगे नहीं, बाहर से तो उठवाएंगे नहीं. तो एक नॉर्मल सा चीज के लिए उन्होंने मुझे ऐसा किया, वरना इसका कोई मतलब नहीं है. प्रियंका, जो जज थे बार बार उन्होंने कहा कि आपको माफी मांगनी चाहिए और आपत्तिजनक तस्वीर थी, क्या आपको नहीं लगता कि वो तस्वीर आपत्तिजनक थी? ये तो एक ट्रॉल है, ये तो एक मेमे है. इसके लिए अगर मैं क्या बोलूँ, तब तो पहले अरेस्ट तो सीएम को करना चाहिए. तो वो तो हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ इतना कुछ बयान दे रहे हैं, तो क्या वो तो सारे देश के जनता भी देख रहे हैं, तो उनके खिलाफ कितना केस होना चाहिए. अगर मुझे पकड़ा जा रहा है एक मेमे के लिए, तो उनको भी अरेस्ट करना चाहिए. जेल के अनुभव की बात करें, मुझे पता है कि बहुत ही दुखद रहा होगा आपके, लेकिन जो टॉर्चर की बात है आपने कही, उसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बताइए. रातें क्या आपको वहां पर आप सो सकी या जागती रही रातें, जाकर बताइए? ऑब्वियसली सोना नामुमकिन है, वहां पे पानी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. जैसे हम लोग स्वच्छ भारत टॉयलेट क्लीन हम लोग करते हैं, तो वहां पे क्या है कि पानी जमा हुआ है, पानी है ही नहीं. मतलब लेडीज लोग के लिए पानी ही नहीं है, और खाने का भी कुछ अरेंजमेंट अच्छा है नहीं. और क्या बोलूं, बहुत गंदा था, सब चीज बहुत गंदा है, कुछ नहीं है अंदर स्वच्छ. पहले आपको 14 दिन की हिरासत में भेजा गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, आपको बेल मिली थी. आपको लगता है कि राज्य सरकार कहीं ना कहीं इसके पीछे नहीं है? राज्य सरकार तो बिन वजह मुझे डाल दी है, इसके लिए तो कुछ करना नहीं है. अगर राज्य सरकार की वजह से बहुत लोग ऐसे अंदर में जो पड़े हैं, जो कि कुछ नहीं करके भी अंदर है, उन लोगों का कोई सुनवाई नहीं है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ के राज्य पुलिस ऐसे हो गए कि राज्य सरकार के हाथ के खरीदे हुए हुए हैं. तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना. आईन तो सबके लिए सेम होना चाहिए. पहले आप समझो हमने क्या किया नहीं किया. और जिसने मेरे खिलाफ किया उसका खुद का फेसबुक अकाउंट नहीं है, तो सोचो उन्होंने मेरे खिलाफ ये किया, तो और मैं क्या बोलूं. यहाँ के गवर्नमेंट का कुछ भी अच्छा ही नहीं है. तो आप कह रहे कि जो कंप्लेनेंट है उसका फेसबुक अकाउंट नहीं था, लेकिन तुम्हारे खिलाफ क्यों ये कंप्लेंट किया गया, क्या लगता है? क्योंकि फ्रंट फेस आ गई थी, इस वजह से. बीजेपी करती हूँ, फ्रंट फेस हूँ, क्योंकि हर जगह बीजेपी बीजेपी, चारों तरफ लोग बीजेपी को प्यार करने लगे, टीएमसी को कोई नहीं चाह रहा है. तो अगर कोई बूथ स्लिप किसी के घर जा रहा है, लोगों के पास बीजेपी का प्रचार हो रहा है, तो वो नहीं चाहेंगे ना, हो, क्योंकि हर जगह तो थ्रेट कर रहे हैं.
और मुझे तो कर नहीं पा रहे थे, तो और क्या कर सकते, तो इसके लिए मुझे डराना चाह रहे थे, लेकिन मैं ऐसे ऐसे चीजों से नहीं डरती। प्रियंका, लगता है कि अब सही समय है आपको पॉलिटिक्स में आ जाने का और चुनाव लड़ने का? बिल्कुल, क्यों नहीं, अब तो और अच्छे से करना चाहिए, अब तो डरने का कोई गुंजाइश नहीं है। एक लड़की क्या क्या चीज से डर सकती है, 5 रात जेल बहुत काफी अनुभव हो गया, 5 साल के जैसा था, अब तो बिल्कुल नहीं डरती। अमित शाह कोलकाता में आप मुलाकात करेंगे और इस बात की चर्चा करेंगे? बिल्कुल, अगर मौका मिले तो बिल्कुल करूंगी। One more thing I would like to state in this order, that the order given by Supreme Court was that she has to tender an apology after the release, and also that we have moved to the court in the morning to get a modified order on this, which is still pending at the, which is listed for the July to be for the hearing. So in the morning she was released at 9:45 a.m. but she was forcefully made to write a letter at 9 a.m. So which is a totally a contempt of the court. We also asked for the certified copy of the letter she has been signed, which the superintendent refused to give. We were receiving for that also. And as per the court order, there was no bond to be signed by the person who has been released or the detainer, but she has been made to sign a personal bond. So clearly in this state of the current state of the TMC government and the TMC police, we can say that the democracy and the right, the fundamental rights of the citizens are at danger. And whatever happened yesterday also at the roadshow of Amit Shahji's rally, you can make and see and feel how much terror Mamata Banerjee is trying to put across the workers who are working for the democracy, who are working to a party which is, who are attached to any other party except TMC. So this is the thing. We are still going to fight this case in Supreme Court in July. And Priyanka has clearly stated that she is not apologetic for writing, for putting that, and the letter has been taken forcefully for her. And I would like to thank everyone for coming for this press meet today. And I hope that you take this word out loud that the democracy is in danger in Kolkata under the TMC government. Thank you. প্রথমত সবাইকে ধন্যবাদ এখানে আমার সাপোর্ট করার জন্য, আমার সমস্ত বিজেপি কর্মীকে, পুনম মহাজনজিকে এবং আমাদের প্রেসিডেন্ট ওম প্রকাশ সিংকে, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আমাকে সর্বদা আমার পাশে ছিলেন। আর কি বলবো, 18 ঘন্টা আমার আগে বেল হয়ে গেছিল, তারপরেও আমাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে, টর্চার করে রাখা হয়েছে, যেটার কোনো আইনে ছিল না। যখন বেল কালকে হয়ে গেছিল তাও আমাকে ওখানে রাখা হলো, তারপরে আর সকালবেলা আমাকে এখানে বলা হলো কি আপনাকে মাফি নিয়ে তারপরে আপনি বেরোতে পারবেন, আদারওয়াইজ আপনি বেরোতে পারবেন না। আমাকে চিঠি লেখানো হয়েছে জোর জবরদস্তি করে দুখানা, আর পার্সোনাল বন্ড সাইন করা হয়েছে, যেটা আমার ছিলই না ফার্স্ট যতক্ষণ না বেল হয়েছিল। হ্যাঁ, চিঠিতে আমাকে উল্লেখ করতে হয়েছিল যে আমি মমতা ব্যানার্জি আমাদের চিফ মিনিস্টার, যার ব্যাপারে আমি পোস্টিং করেছি সেটা আইন্দা আমি করব না, তাই জন্য সেটা আমাকে অ্যাপোলোজাইজ, আমি মাফি মাংছি তার জন্য। কিন্তু এটা তো কোনো ব্যাপার না, আমি তো কোনো মাফি না মাংছি না, কারণ আমি এমন কিছু করিনি যার জন্য আমাকে জেল খাটতে হবে, তাই না?